क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ये कैसे हो सकता? कहां से आया इनविजिबल मैन का कॉन्सेप्ट? क्या मिस्टर इंडिया 2 में फिल्म मेकर्स करने वाले हैं हॉलीवुड फिल्म्स की कॉपी? कैसा होगा मिस्टर इंडिया 2 का नया कॉन्सेप्ट? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए मिस्टर इंडिया का सीक्वल यानी मिस्टर इंडिया 2 से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पे होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। बीते दिनों फिल्म मिस्टर इंडिया का रीमेक सुर्खियों में है। ओरिजिनल फिल्म से जुड़े लोगों को फिल्म दोबारा बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया था। फिल्म शेखर कपूर ने बनाई थी और अली अब्बास जफर ने इसके रीमेक की घोषणा की थी। वैसे ओरिजिनल फिल्म से जुड़े लोगों की नाराजगी जायज भी है। इस फिल्म को बनाने से लेकर टाइटल देने तक काफी मेहनत लगी थी। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक रही है। सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के लिए यह मच वॉच फिल्म है। अब एक बार फिर यह फिल्म ट्रेंड में आ गई है क्योंकि डायरेक्टर अली अब्बास जफर फिर से इस फिल्म पर काम करने के लिए तैयार है क्योंकि यह सुपरहिट फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में है। दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट लोगों के बीच इतना पसंद क्यों किया गया और बॉलीवुड में ऐसे कॉन्सेप्ट और किन किन फिल्मों में देखे गए हैं। दोस्तों, किसी भी हॉरर फिल्म्स में इनविजिबल होने का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है और मे बी ये गायब होने का आइडिया यहीं से आया हो। सबसे पहले बात करते हैं 1987 की हॉलीवुड फिल्म द इनविजिबल मैन। इस फिल्म में भी एक आदमी के पास गायब हो जाने जैसी शक्ति होती है। इस फिल्म के बाद इसके कई पार्ट्स भी रिलीज हुए और इसी के बाद से हॉलीवुड में कई फिल्म्स बनाई गई जिसमें गायब होने की शक्ति थी, जैसे हेलो मैन, द इनविजिबल मैन्स रिवेंज, प्रीडेटर और ग्रिफ द इनविजिबल। सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद 2004 में आई फिल्म गायब और 2015 में आई मिस्टर एक्स सेम कॉन्सेप्ट के साथ अलग अलग स्टोरीज पर बेस्ड थी। तो देखा आपने दोस्तों, हॉरर फिल्म से लेकर बच्चों के कार्टून्स में भी इनविजिबल मैन का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक पसंद किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मिस्टर इंडिया 2 की तरफ जिसके आने का इंतज़ार पब्लिक में काफ़ी छाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस की मदद से दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है जहां डेली एक न्यू इन्वेंशन होता है। पहले पार्ट में मिस्टर इंडिया एक गैजेट की वजह से गायब हो जाता था, तो वहीं आने वाले सीक्वल में डायरेक्टर ने इस गैजेट को एक नया गेटअप देने के लिए सोचा है। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिल्म में इनविजिबल होने के लिए डायरेक्टर किस गैजेट के दौरान फिल्म में हीरो को गायब करने वाले हैं। ये एक वॉच के रूप में होगा या पेंडेंट या एक रिंग के रूप में, इस पर फिल्म की मेकर्स जल्द ही कुछ ना कुछ बताएंगे। फिल्म मेकर्स ने कुछ आइडिया हॉलीवुड फिल्म से लेने का भी सोचा है। अब इस बात पर तो सबको मानना ही पड़ेगा कि जिस तरह से हॉलीवुड इस तरह की फिल्मों को दिखाने में माहिर है और साथ ही उनका VFX, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक, हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन तरह से यूज़ किया जाता है, इसलिए डायरेक्टर का ये भी सोचना सही है कि उन्हें हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर कुछ आइडिया लेना ज़रूरी होगा। मिस्टर इंडिया 2 का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, एक नए इन्वेंशन को लेकर और साथ ही किस तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे इस फिल्म में, ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। सो गाइज, आप लोग इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी सारी नई अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाजत और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कैसे मिलेगा। टाटा बाय, टेक केयर।